चलिए एक और नए स्टूडेंट के साथ मिलते हैं। पीयूष नाम है जिनका, जो कि इलाहाबाद यूपी से हैं और पीयूष को अभी एनआईटी कैलीकट अलॉट हुआ है जो कि टॉप एनआईटीज में आता है। तो सबसे पहले पीयूष, एनआईटी कैलीकट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पीयूष, जैसा अभी आप देख रहे हो, मैं जितने भी सेशन ले रहा हूं, मेरा एक ही क्वेश्चन होता है बच्चों से, हर बच्चे की लाइफ स्टोरी और सक्सेस स्टोरी जर्नी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले तो आप 12th तक क्या सोचते थे और कैसे आपने निमसेट का सोचा, फिर किस ढंग से आपने घर पर रहते हुए पढ़ाई की, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, और आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है वो मैं चाहूंगा आप डिटेल में शेयर करें, जिससे बच्चे जब सुने तो उनको कोई कंफ्यूजन हो तो वो डेफिनेटली इसको सॉल्व करें। यस सर। सर एक्चुअली मैं क्लास 10th में, मैं एक्चुअली मैं केवी से पढ़ा हुआ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में है, तो जहां पे भी आर्मी रहता है वहां पे केवी जरूर रहता है। तो 10th में मैंने साइंस साइड लिया था, फिर मैंने सोचा था कि मैं बीटेक करूंगा, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जाम देने आया था। मैंने जेई का एग्जाम दिया था तो उसमें भी मेरी कुछ खास रैंक नहीं आई थी, इसलिए मुझे कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल पाया। और मैंने यूपी SEE भी दिया था तो उसमें भी मेरा कोई खास रैंक नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं बीसीए कर लेता हूँ। फिर मैंने बीसीए स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने सोचा अभी मेरे पास ये, मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया था तो उसके बाद मेरे प्लेसमेंट के कुछ खास वो नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो फिर मैंने, मेरी दीदी ने एक्चुअली, मैं जब मैं सेकेंड ईयर में था तो उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा, उसमें लिखा था कि निमसेट एग्जाम का, तो उसमें एमसीए होता है एनआईटीज के लिए, तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है मेरे लिए एनआईटी में जाने का। और मैंने फिर थर्ड ईयर से मैंने पेनड्राइव कोर्स ले लिया। मैंने, मेरे को अभी भी डेट याद है, मैंने 30 May 2019 मैंने आपका पेनड्राइव कोर्स लिया था, और मैंने Feb 2020 तक पूरी वीडियो देख ली थी और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। बस फिर मैं आपसे बात करने लगा, मैंने आपसे हर जो भी चैप्टर पढ़ता था उससे पहले आपसे बात करता था, फिर उसके बाद मेरी स्पीड नहीं आ रही तो उसके लिए मैंने आपसे बात की, तो आपने बोला कि जितने पेपर है उसको बार बार सॉल्व करो, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड आपकी बढ़ेगी। फिर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरी स्पीड भी बढ़ने लगी। पर एक्चुअली में पहले था 31 May को एग्जाम 2020, फिर कोविड आ गया। अगर 31 May को होता तो मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आती, क्योंकि मेरी उस टाइम स्पीड बढ़ी नहीं पाई थी। फिर मैंने लॉकडाउन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और मैंने स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई। और आपने जो आपका कैप्सूल 2020 का वो था, टेस्ट सीरीज था, हाँ, उसको भी मैंने बहुत यूटिलाइज किया और मेरी स्पीड उससे बहुत बहुत बढ़ गई, इसलिए मेरी 224 रैंक आ पाई है। देखो क्या होता है पीयूष, कई बार अपन सोचते हैं कि कुछ चीजें अच्छे और बुरे के लिए होती है। जैसे अगर हम बात करें कि कोविड, तो कोविड आपके लिए, कई लोगों के लिए बहुत खतरा हुआ, पर कई बच्चों के लिए बड़ा वरदान हो गया, क्योंकि उनको एक स्टार्टअप मिल गया फिर से पूरा अपने आप को रीअरेंज करने का, और उसको आपको फायदा भी मिला। तो पीयूष, आपकी बिल्कुल सिंपल सी जर्नी है कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं था और आप प्रॉपर टाइम रहते हुए अपने कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ते रहे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, तो ऐसे में वो बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे कि वो कम समय में भी एक अच्छा रिजल्ट दे सके, यानी स्मार्ट स्टडी को लेके आपका क्या सजेशन होगा? सर स्मार्ट स्टडी, जैसे मेरा पेनड्राइव कोर्स था तो आपने बताया था कि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हैं या फिर आप भोपाल जाके पढ़ रहे हैं सर के साथ, तो आपको कोई दिक्कत वैसी होगी नहीं, पर अगर आप पेनड्राइव कोर्स से जुड़े हुए हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए बहुत जरूरी है। हर एक के लिए आपको पहले टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, कौन सा आपको पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, और उसी हिसाब से उसी टाइम लिमिट में आपको कंप्लीट करना है, और विद प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन जो आए हुए हैं निमसेट में वो सॉल्व करना है। इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। बिल्कुल सही। चलो पीयूष, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अब आप एनआईटी कैलीकट में भी अच्छा परफॉर्म करो, सेमेस्टर 1 आपका ऑनलाइन ही होने वाला सब कुछ, अब तो आपको अभी कॉलेज वाला फील आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब कॉलेज खुलेंगे, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कब खुलते हैं, तो वो कॉलेज का फील भी लोगे। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।